आप सभी के लिए गुड न्यूज है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, 50 एमसीक्यू डेली क्लासेस कराया जा रहा है, जिसमें का यह चौथा क्लास है। जो 3 क्लासेस हो चुकी है 10 दिनों का क्रैश कोर्स के साथ, यानी कि 500 एमसीक्यू कराया जा रहा है, उसमें का यह चौथा क्लास है। ये तीनों क्लास जो है हमारे YouTube चैनल के प्ले स्टे पर, यानी कि वहाँ पर दिए गए या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिए गए, जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की ये 50 क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि SSC व्यापम रेलवे जितने भी परीक्षाएं हुए हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और जो भी आज की क्लास होगी बस्तर का दशहरा, यानी कि यहाँ पर 3 से 4 नंबर बस्तर के दशहरा से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो आपका पहला प्रश्न है, बस्तर का दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जो खालिस्तान दिनों की अवधि में मनाया जाता है, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल CGPSC व्यापम में 13, 14, 15, 17 में पूछा गया है। जितने में ही आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, 7 से 8 सालों का प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो कि बस्तर का दशहरा एक पारंपरिक त्यौहार है, वो 75 दिनों तक, कितने दिनों तक, 75 दिनों तक अवधि में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। डेली आपको 50 MCQ कराया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बस्तर दशहरा में मावली माई की विदाई के सम्मान में, जो मावली माई होता है उसके विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। देखिए ये CG व्यापम क्षेत्र रक्षक 2021 में पूछा गया है। बस्तर दशहरा में जो मावली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम होता है उसे मावली प्रघाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मावली प्रघाव। ऑप्शन डी में आंसर हो गया। ठीक है, जो लोग व्यापम PSC की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर भर्ती, साथ ही ADO की, यानी कि ADO में आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन रहेगा, छात्रावास अधीक्षक में सामान्य ज्ञान रहेगा, प्यून भर्ती में रहेगा, जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ आपको 20 से 15 नंबर, ठीक है, 20 से 15 नंबर पूछा जाता है। कितने नंबर पूछा जाता है? सामान्य ज्ञान में 20 से 15 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यह चौथा क्लास है, ठीक है, 3 क्लासेस हो चुकी है 10 दिनों का क्रैश कोर्स के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व किस माह मनाया जाता है। जो गोंचा पर्व होता है वो आपका अषाढ़ माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अषाढ़ माह में, व्यापम में पूछा गया है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि बस्तर की दिवाली को क्या कहे जाते हैं। बस्तर को दिवाली होता है उसको दियारी कहा जाता है। दियारी का मतलब होता है, देखिए जो दिवाली मनाते हैं ना, जानवरों को चारा खिलाया जाता है, यानी कि जानवरों को भोजन कराया जाता है, उसको दियारी कहते हैं। दियारी यानी कि दीपावली। ठीक है, ये CG व्यापम 2015 में पूछा गया है। बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति कब होती है। जो बस्तर के दशहरा उत्सव की जो समाप्ति होती है मुड़िया दरबार से होती है। ठीक है, कब होती है? मुड़िया दरबार से। देखिए अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, बस्तर के दशहरा के उत्सव की जो समाप्ति है, अब यहाँ पर बोला गया शुरुआत कब होती है। बस्तर के दशहरा की शुरुआत है काछिन गांधी देवी से होती है। कौन से देवी से होती है? काछिन गांधी देवी, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, काछिन गांधी देवी, ठीक है, काछिन गांधी देवी से नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये देवी है काछिन गांधी देवी। ठीक है, बस्तर के दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है। अब जो रथ यात्रा होता है जगन्नाथ भगवान जी की जो रथ निकलती है उसको क्या कहा जाता है? गोंचा पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोंचा पर्व। CGPSC 2019 में पूछा गया है। मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ डेली आपको 50-50 MCQ करा रहा हूँ, यानी कि टोटल 10 दिनों का क्रैश कोर्स है, यानी कि 500 MCQ कराया जाएगा। कितना कराया जाएगा? 500 MCQ। ठीक है, बिल्कुल। बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं। बस्तर में जो माटी तिहार होता है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह यानी कि मार्च या अप्रैल। ठीक है, मार्च या फिर अप्रैल है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हिंदी में क्या कहा जाता है? मार्च या फिर अप्रैल, जो कि बस्तर में माटी तिहार मनाते हैं। व्यापम 2018 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के दशहरा पर्व पर
रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? जो रथ खींचा जाता है आदिवासी के द्वारा खींचा जाता है, ठीक है, स्थानीय आदिवासी के द्वारा। CGPSC 2016 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? CGPSC 2016 में। बस्तर के जो दशहरा होता है पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? तो स्थानीय आदिवासी के द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। तो कलश यात्रा क्या होता है? चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जो कलश यात्रा होता क्या है, कलश यात्रा क्या होता है कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। कलश यात्रा आप सभी के लिए प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। कलश यात्रा किसे कहा जाता है? एग्जाम 2019 में आया था ये प्रश्न, ठीक है, और इसमें भी आया था, CMO में भी आया था, और साथ ही ये फूड इंस्पेक्टर में भी पूछा गया है। कलश यात्रा क्या होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कलश यात्रा क्या है। नवा प्रश्न है कि बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? जो बस्तर दशहरा का प्रारंभ होता है वो कौन से देवी से पूजा की जाती है? तो आपका हो जाएगा कौन से देवी से पूजा की जाती है? तो काछिन गादी देवी से, जो शुरुआत की गई थी, मैं आप सभी को पहले बताया हूँ, काछिन गादी देवी से, ठीक है। और कौन से देवी को समर्पित है? तो ये दंतेश्वरी देवी को समर्पित है, ठीक है। बस्तर दशहरा का जो देवी है उसको कौन से समर्पित है? तो ये दंतेश्वरी देवी होगा, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, दंतेश्वरी देवी समर्पित है, ठीक है। और बात करें तो इनमें से पूजा किसकी की जाती है? तो काछिन गादी देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। अब बस्तर के दशहरा का क्या बोलते हैं उसको, संस्थापक, ठीक है, बस्तर के दशहरा का संस्थापक किसे कहा जाता है ये आप बताइएगा जल्दी। बस्तर के दशहरा का संस्थापक या उसको क्या कहा जाता है जल्दी बताइए, पुरुषोत्तम देव, उसके संस्थापक कौन है? पुरुषोत्तम देव है, ठीक है, पुरुषोत्तम देव, ठीक है। कौन से सन में? तो आप कमेंट में जरूर बताइए, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से सन में बस्तर के दशहरा का प्रारंभ कौन से सन में किया गया था? इसके लिए आप आंसर में कमेंट जरूर बताएं इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न में एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, नोट करते हो चलिएगा। बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें किस देवी की पूजा करते हैं? काछिन गादी देवी से, और समर्पित किससे है? तो दंतेश्वरी देवी को। और इसके संस्थापक कौन है बस्तर के दशहरा का? तो पुरुषोत्तम देव है, ठीक है, कौन है? पुरुषोत्तम देव। साथ ही इसके वर्ष को आप कमेंट कीजिएगा, कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। आप बता सकते हैं 1804 से प्रारंभ हुआ है, कितना से आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काछिन गादी किस पर्व से संबंधित है? जो काछिन गादी होती है किस पर्व से संबंधित है? आप सभी को पहले बताया हूँ कि दशहरा से, ठीक है, दशहरा से। बस्तर का दशहरा होता है वहाँ आपको, ठीक है, 3 से 4 नंबर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप सभी को मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए ये CMO में पूछा गया है, अभी हाल ही में आपको बताया हूँ कि 7वां या 8वां क्वेश्चन में काछिन गादी देवी से, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन जो कराया हूँ बस्तर का दशहरा से है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ से बताइए जल्दी, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा से पूछे जाने वाले प्रश्न, साथ ही छत्तीसगढ़ की नदियाँ से पूछे जाने वाला प्रश्न होगा, ठीक है। इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल है? जो इंद्रावती और गोदावरी नदी है वहाँ पर कौन सा है? भद्रकाली, ठीक है, कौन सा है? भद्रकाली, नोट कीजिएगा इसको, भद्रकाली। इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम में स्थित स्थल है भद्रकाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोगतुम जलप्रपात बीजापुर जिले के किस क्षेत्र में? जो बोगतुम जलप्रपात है वो बीजापुर के किस जिले में है? तो देखिए भोपालपट्टनम में है, ठीक है, भोपालपट्टनम है, जो कि बोगतुम जलप्रपात बीजापुर के भोपालपट्टनम जिले में स्थित है। अब नोट कीजिएगा, देखिए भोपालपट्टनम क्या होता है, तो देखिए बोगतुम जिला, जो कि जलप्रपात बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम के निकट पोडसपल्ली ग्राम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पोडसपल्ली ग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बेनी प्राकृतिक जलप्रपात किस नदी पर है? जो बेने जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? तो ये प्राकृतिक रूप से है, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये इब नदी में है। कहाँ है? इब नदी में, नोट कीजिएगा, एग्जाम में कई बार आता है। अब देखिए जो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बेने प्राकृतिक जलप्रपात है वो इब नदी पर स्थित है, और इब नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बगीचा तहसील में पांडरा घाट में रानी झूला नामक स्थल से हुआ है। कौन से स्थल से? रानी झूला नामक स्थल से, ठीक है। जितने भी आप सभी को 50 MCQ करा रहा हूँ डेली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग व्यापम PSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास है।
ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी ही वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, ठीक है। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक करके रख लीजिएगा, साथ ही उसी को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा जो डेली क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथी दरह प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में। देखिए जो प्राकृतिक दरह, जो प्राकृतिक क्या बोलते हैं उसको, हाथी दरह, वो कहाँ है तो वो आपका जगदलपुर में है। कहाँ है? जगदलपुर में, ठीक है, नोट कीजिएगा, जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोठली प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, कोरिया जिला। जो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोठली है ना प्राकृतिक जलप्रपात, वो कोरिया जिले में है। कहाँ है? कोरिया जिले में, ठीक है, कोरिया, नोट कीजिएगा इसको, कोरिया जिले में स्थित है। देखिए जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात, नदियाँ यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, नदियाँ उद्गम स्थल, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अमृतधारा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में है? तो वो आपका कौन से जिले में है? आपका ये अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में, ठीक है, अभी मैं आपको बताया हूँ कोरिया जिले में। इसको ध्यान से समझिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। देखिए जो अमृतधारा जलप्रपात है कोरिया जिले के सरगुजा यानी कि पश्चिम जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर नामक स्थान के पास, जो कि हसदेव नदी पर स्थित है। यहाँ पर तपसी बाबा का आश्रम है। कौन से निकट है? तपसी बाबा का आश्रम है, ठीक है। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? देखिए जो महानदी है वहाँ पर कौन सा बांध बना है, जल्दी बताइए, महानदी पर कौन सा बांध बना है, कमेंट कीजिएगा। गांधी सागर बांध, गंगरेल बांध, हीराकुंड बांध, जवाहर सागर बांध। जो महानदी है वो कौन सा बांध पर बना है? हीराकुंड बांध पर बना है ना, ठीक है, महानदी हीराकुंड बांध पर बना है। अब हीराकुंड कहाँ है? गंगरेल, गंगरेल बांध, आप समझ रहे हैं ना। महानदी पर बने बांध रुद्री, गंगरेल तथा हीराकुंड, यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को निर्धारित करती है, ठीक है। महानदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? जो महानदी का पर्वत होता है कौन से उद्गम से होता है, कमेंट कीजिएगा जल्दी। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? उद्गम स्थान बताइए जल्दी। महानदी का उद्गम किस पर्वत से होता है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट क्लास है, ऑप्शन जल्दी कीजिए। देखो बहुत लोगों का ऑप्शन आ रहा है, बहुत लोगों का ऑप्शन आ चुका है, 60 से 8 लोग कमेंट कर चुके हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। महानदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? 9 से 10 लोगों का आंसर आ चुका है, 9 से 10 लोगों का आंसर आ चुका है, 14 से 15 लोगों का आंसर सही आ रहा है, मतलब उन्हीं लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या? महानदी का उद्गम किस पर्वत से होता है जल्दी बताइए। महानदी का पर्वत, देखिए महानदी कहाँ? सिहावा पर्वत से ही तो होता है। देखिए जो सिहावा पर्वत होता है क्या है, नोट कीजिएगा, महानदी का उद्गम रायपुर के समीप, ठीक है, महानदी का उद्गम कहाँ है? रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत से हुआ है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है, महानदी की जो प्रवाह है ये दक्षिण, ठीक है, दक्षिण से कहाँ हुआ? दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, नोट कीजिएगा, कहाँ से हुआ है? दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की ओर की कितनी लंबाई है, आप इसका आंसर जरूर बताएं, दक्षिण से उत्तर की कितनी लंबाई है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और पूर्व से, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, जल्दी बताइएगा, पूर्व की लंबाई कितनी है ये वाला आप कमेंट कीजिएगा, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ठीक है। महानदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? महानदी की जो सहायक नदी है वो, महानदी की सहायक नदी कौन सी है जल्दी बताइए, पैरी और सोंदूर, कौन सा है? पैरी और सोंदूर, गुड, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है, गुड। निम्न में से कौन सा नगर हसदेव नदी के तट पर स्थित है? जो हसदेव नदी है वो आपका चांपा है, ठीक है, हसदेव नदी कौन सा है? चांपा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध किस नदी पर अवस्थित है? मिनी माता बांध आप सभी को पता है, किसको पता नहीं है? मिनी माता बांध जल्दी बताइए, हसदेव नदी, हसदेव नदी ना, गुड,
हसदेव बांगो बांध मिनी माता बांध के नाम से जाना जाता है। यह बांध छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में है, तो कोरबा ज़िले में है। ठीक है, नोट करते चलिएगा। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती, कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती, चलिए ये बताइए कि कौन सी नदी है जो प्रवाहित होती है। तो इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, महानदी प्रवाहित होती, पैरी नदी प्रवाहित होती, लेकिन मान नदी प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, मान एक ऐसी नदी है जो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऐसा कौन सा बांध है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, जल्दी बताइए कौन सा बांध है छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऐसा कौन सा बांध। देखिए अब उड़ीसा बांध कहाँ से आ गया भाई, देखिए बहुत लोगों का गलत हो रहा है, उड़ीसा बांध कहाँ से आएगा, कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है पूछा गया है। सॉरी एक मिनट ना, सब लोगों का सही आ रहा है ऐसा, सॉरी नहीं है पूछा गया ना। तो हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में निर्मित है, कहाँ है हीराकुंड बांध है, इसका आंसर वही आएगा ना, छत्तीसगढ़ में नहीं है, कहाँ है उड़ीसा में है, कहाँ है उड़ीसा। ठीक है, कहाँ है उड़ीसा, यह बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है हीराकुंड बांध, जबकि रविशंकर बांध, शिवनाथ नदी बांध और सुमित पार बांध, सुमिता पार है ना, ये सब छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में प्रयागराज में किन नदियों का संगम है, जो प्रयागर है वो कौन से नदी का संगम है, तो पैरी सोंडूर और कौन सा है, जल्दी बताइए पैरी सोंडूर और जल्दी बताइए, कमेंट कीजिएगा ना तभी तो मैं टिक लगाऊंगा। राजिम जिला, राजिम कौन से में आता है, गरियाबंद जिला। ठीक है, राजिम गरियाबंद जिले में, महानदी पैरी सोंडूर, महानदी और पैरी सोंडूर राजिम के नदियों का संगम है। ठीक है, यह प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी है, देखिए एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, नोट करते चलिएगा। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी है, यह नदी धर्मगढ़ में है, कहाँ है धर्मगढ़ तहसील में स्थित है, 4000 फीट ऊंची मुंगेर पहाड़ी में। ठीक है, प्रसिद्ध नगर शिवरी नारायण में कौन सी नदियों का संगम है, जो शिवरी नारायण है, चलिए बताइए जो शिवरी नारायण है, जल्दी कमेंट करें, आप सभी के लिए क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, प्रसिद्ध नगर शिवरी नारायण में कौन सी नदियों का संगम है, जो शिवरी नारायण है। हाँ, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, 15 से 20 लोगों का आंसर आ चुका है और वो भी बिल्कुल राइट है, 15 से 20 लोगों का आंसर आ चुका है। प्रसिद्ध नगर में शिवरी नारायण कौन सी नदी पर, देखिए बहुत लोगों का आंसर है, 30 से 40 लोगों का आंसर आ चुका है, 30 से 40 लोगों का आंसर आ चुका है, डी बिल्कुल राइट, डी आएगा, महानदी शिवनाथ एवं जोक नदी, महानदी शिवनाथ एवं जोक नदी, जो कि शिवरी नारायण का संगम स्थल है। ठीक है, नोट कीजिएगा। निम्न से कौन सा स्थान सरगुजा में स्थित नहीं है, कौन सा स्थान है सरगुजा में स्थित नहीं है, कोटाखोल ये तो है ना, कुदरगढ़, सारासोर और रक्षगंडा जलप्रपात सरगुजा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रजपुरी प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में है, चलिए बताइए, बिल्कुल सही जसपुर। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी में निर्मित है, जो गुप्तेश्वर जलप्रपात है कौन सी नदी में है, जल्दी बताइए, रेणुका, बिल्कुल राइट। ठीक है, गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी या कोलाब नदी पर माचकोट के तीरिया वन के निकट स्थित है। ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन सी प्रमुख नदी है जो कि लगभग 59% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है, तो ऑप्शन सी महानदी। देखिए पहले मैं आपको बस्तर का दशहरा कराया, ठीक है, बस्तर का दशहरा से क्वेश्चन कराया है, उसके बाद ये आपका हो गया है छत्तीसगढ़ की नदियां उद्गम स्थल से। ठीक है, टोटल हो गया। ठीक है, महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है, इस नदी का 59% जल छत्तीसगढ़ करता है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में, जो बस्तर का पठार है छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है, दक्षिण में, और आप सभी के लिए क्वेश्चन है ये वाला, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से किनने वाली है? जो मैनपाट पठार है उससे निकलने वाली नदी कौन सी है? केलो नदी या मांड नदी या ईब नदी या बोराई नदी? कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। या फिर आपने तीनों वीडियो नहीं देखा है, यानी कि तीनों क्लास आपने नहीं देखा है 10 दिनों का क्रैश कोर्स वाला छत्तीसगढ़ सामान्य का, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ पर टेस्ट सीरीज का एक मेंबर होगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज का एक सदस्य होगा, वहाँ आप ज्वाइन कीजिएगा या क्लिक कीजिएगा, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया टेस्ट सीरीज का, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त।